मैंने आपको इक्वेशन बताया था, है ना, रिएक्शन लिखना देखा था और उसमें मोल्स को कैसे कोरिलेट करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन में, वो पढ़ने पड़ा था, ठीक है ना। सीक्वेंशियल रिएक्शन में पढ़ा था अपन ने कैसे मोल्स को कोरिलेट करना। तो अपन एक और एग्जांपल लेके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन का और फिर हमें आज पढ़ना है लिमिटिंग रिएक्शन, तो अपन फिर लिमिटिंग रिएक्शन की बात, ठीक है। तो मैं पहले सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात करूंगा। तो अपन पढ़ रहे थे दैट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन, और जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई सीक्वेंशियल रिएक्शन में अपन को क्या पढ़ना है, दैट इज अपन को पढ़ना है सीक्वेंशियल रिएक्शन में एक एग्जांपल लेना है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में उसका प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट जैसे यूज हो जाए तो वो सीक्वेंशियल रिएक्शन होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है जिसमें अपन कहेंगे मेरे पास अमोनिया गिवन है, ठीक है, मैं इसको ऑक्सीडाइज करके इससे NO बनाता है, ठीक है, और वाटर बनाता है, राइट। और इसको फिर अपन क्या करेंगे, NO को ना अपन रिएक्ट करेंगे, इसको रिएक्ट करके अपन NO2 बनाएंगे, राइट। और फिर जो NO2 NO3 बनाएंगे, और फिर अपन क्या कर NO को रिएक्ट करके O2 से NO2 बनाएंगे, और फिर NO2 को वाटर में डिजोल्व करके अपन बनाएंगे क्या, दैट विल बी HNO3 बनाएंगे, ठीक है। तो HNO3 बनेगा प्लस विल राइट दैट एक और मतलब ऐसे HNO3 के लिए अपन उसको बैलेंस कर लेते हैं। पहले वाले रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करो, दूसरा वाला तो ऑलरेडी अपन बैलेंस कर देंगे, बैलेंस है ना। पहले वाले रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे अपन, पहले वाले रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपन, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, ये रिएक्शन अपन करने पड़ेगा। तो अपन फ्रैक्शन वाले को ऐसे कर लेते हैं, जैसे अपन ने डिसाइड किया था भाई अगर फ्रैक्शन होगा तो अपन ऐसे करते हैं। तो पहले वाले रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं, एक बार चेक कर लेते हैं, पता एक मतलब मैंने इसलिए इसको ले लिया, इस इक्वेशन को कोई दूसरा भी ले सकते थे, पर दिस इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड है, कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड। एक तरीके से अपन को कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड भी मिल गया। हमें क्या करना होता है कि अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस H2O बनेगा, प्लेटिनम के प्रेजेंस में बनता है। लेकिन अभी अपन कोई कैटलिस्ट वगैरह थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन तो पढ़ रहे हैं भाई रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन ये इसका कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके विघट NO, NO को रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो ऑक्सीडाइज करेंगे तो NO2, और NO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो विघट द HNO3। यस, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है अपने पास HNO3 मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है अब ये बताओ कि आपको प्रिपेयर क्या करना है। तो अगर मान लेते हैं अपन को कि इसका मेरे पास सपोज ये मुझे गिवन है कि इसका अगर मुझे 0.3 मोल्स चाहिए आर रिक्वायर्ड, है ना। तो अपन जो पता है क्वेश्चन कैसे लिखोगे आप, रिक्वायर्ड देन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, देन कैलकुलेट, मैंने इफ लिखा है इसको, देन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड। तो जरा मोल्स ऑफ अमोनिया कैलकुलेट कर दो भाई, moles of NH3 required,
है ना। चलो देख लेते हैं अपन, है ना, क्या करेंगे अपन। तो अपन कहेंगे भाई इसका 0.3 चाहिए तो इसका भी 0.3 होगा, इसका 0.3 होगा तो इसका भी 0.3 होगा, इसका 0.3 होगा तो इसका भी 0.3 होगा, इसका 0.3 होगा तो इसका भी 0.3 होगा। लो भाई ये तो आंसर ही अपना मतलब क्या आ गया, 0.3 आ गया। कैसे आया? तो अपन कहेंगे पहले वाले रिएक्शन के लिए आपने लिखा होगा NO2 के मोल्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू HNO3 के मोल्स डिवाइड बाय 2। ये क्या आंसर हो गया, जितने मोल्स इसके हैं उतने मोल्स इसके हैं, इसके मोल्स कितने गिवन थे अपन को 0.3, तो इसके भी मोल्स 0.3 हो गए। अब इसके मोल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो NO डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू NO2 डिवाइड बाय 2, अब इसके जितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स इधर रहेंगे इसके, तो इसके मोल्स कितने थे 0.3 थे, अगर 0.3 थे इसके मोल्स तो इसके भी 0.3, इसके भी 0.3, इसके भी 0.3। अब जो NO के मोल्स इधर होंगे वही मोल्स इधर होंगे, इस मोलर कोफिशिएंट से थोड़ी फर्क पड़ता है कुछ। तो अपन कहेंगे भाई देखो इधर क्या होगा, अमोनिया के मोल्स डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू NO के मोल्स डिवाइड बाय 4, तो जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स इसके इधर होंगे, उनको पता चल गया और अपने पास कितना आया 0.3 ही आ गया। रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसे रिएक्शन ले लिया, ठीक है ना। अपन धीरे धीरे ये भी सीखेंगे ना कि भाई कौन से मेथड से क्या प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में अपन को एक बात पता है भाई, यहां मोलर कोफिशिएंट कुछ भी हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, यहां जो इसके मोल्स हैं और इसके मोल्स हैं ये रिएक्शन ऐसे आपस में सीक्वेंशियल था, फिर इधर से इधर और इधर से इधर और फिर इधर से इधर, तो जो सीक्वेंस बनता है ना उस सीक्वेंस से अपन रिएक्शन को कोरिलेट करते हैं। एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट जैसे यूज होगा, इसका प्रोडक्ट इसमें रिएक्टेंट जैसे यूज होगा, देन इट इज अ सीक्वेंस, वो अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे, ये तो सीक्वेंशियल रिएक्शन है, तो अब अपन बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स की, तो चलो देखते हैं अपन को लिमिटिंग रिएजेंट्स में कैसे पढ़ना है। लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा, लिमिटिंग रिएजेंट वैसे तो अपन को ना जैसे अपन बोल रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो वर्ड्स को सुन के ही अपन को पता चल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब होगा, ऐसा रिएजेंट जो लिमिटेड क्वांटिटी में होगा। अगर रिएजेंट लिमिटेड क्वांटिटी में होगा तो ऑब्वियसली बात है वो किसी और के साथ अगर वो एक्सेस में है तो कैसे रिएक्ट कर पाएगा ज्यादा। भाई अगर कोई रिएजेंट लिमिटेड क्वांटिटी में है तो ऑब्वियसली बात है अपन क्या कहेंगे, फिर तो वो ज्यादा यूज ज्यादा नहीं हो पाएगा ना, ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना, उसी को तो बोलेंगे अपन लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो अपन कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, राइट ना भाई। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, तो जैसे अपने पास मान लो कि अज्यूम कर लेते हैं अपने पास हमें लिमिटिंग रिएजेंट की बात करनी है, तो अपन कहेंगे बट द रिएजेंट विच दो रिएक्टेंट होंगे रिएक्शन करने के लिए। अब दो रिएक्टेंट में से एक बहुत कम है और एक बहुत ज्यादा है, तो अपन कहेंगे जो कम वाला है ना भाई आप मैक्सिमम रिएक्शन तो कम वाले के बराबर ही कर सकते हो ना, तो कम वाला हमें कैसे पता चलेगा, तो वो अपन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो जो रिएजेंट लिमिटेड क्वांटिटी में होता है मतलब लेस क्वांटिटी में होता है उसी को अपन कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सो द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी है ना, तो अपन उसको लिख देते हैं भाई, तो द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी, so the reactant which is present in the less quantity hai na is called less quantity, ये limited quantity, ठीक है, दोनों ही word use कर सकते हैं।
और लिमिटेड क्वांटिटी, वो लिमिटिंग रिएजेंट लिखा है इसलिए लिमिटेड वर्ड भी यूज कर रहा हूं, क्वांटिटी उसको कहते हैं अपन लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर दो रिएक्टेंट है और दोनों में से एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे भाई, जो कम है ना, एक तो एक्सेस में है और एक कम होगा, तो जो कम होगा वो डिसाइड करेगा कि भाई रिएक्शन में कितना कितना देर तक रिएक्शन चलेगा, ये कितना रिएक्शन होगा, राइट ना, इट विल डिसाइडेड बाय दैट कि भाई कितना रिएक्शन होगा। तो व्हाट विल से दैट कि भाई ठीक है, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच विल डिसाइड दैट हाउ मच अदर रिएक्टेंट विल बी रिएक्टिंग एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि भाई जो लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि वही डिसाइड कर सकता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो फिर कहेंगे इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, अपन लिमिटिंग रिएजेंट को एलआर जैसे यूज कर लेते हैं, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन, राइट ना, रिएक्शन बाय विच we can tell how much amount, of other reactant will react, and the amount of product will be formed, और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी वही डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट भी यही डिसाइड करेगा। तो चलो देखते हैं, मतलब लिमिटिंग एजेंट में आपने ये बता दिया जब मुझे कि जो भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे उनमें जो रिएक्टेंट लेस क्वांटिटी में होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, आप मुझे कंसेप्ट बता दो या डिफरेंट वेज है तो डिफरेंट वेज बता दो तो हम अपने आप ही कर लेंगे। चलो देखते हैं एक एग्जांपल लेके, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई मतलब अपन को बस चेक करना है, थ्योरी तो होता नहीं है, तो अपन एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। अभी अपन क्या करेंगे, सपोज मेरे पास ऐसे क्या है, मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल में कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना H2+Cl2 ये है, तो गिव्स यू प्राइस ऑफ HCl, ये बनता है भाई। अपन सबको पता है सारे रिएक्शंस ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या होगा, इसका 2 ग्राम इसके 71 ग्राम से रिएक्ट करेगा भाई, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, तो अपन कहेंगे इसका 2 ग्राम एक क्लोरीन 35.5 होता है, 71 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस 73 ग्राम ऑफ दिस, ये बनेगा, एंड इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अपन कहेंगे इसका 2 ग्राम इसके 71 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा, इन दोनों का सम होगा भाई, HCl का मास होता है 36.5, दो HCl का मास 73, गॉट इट ना, तो ये ना रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। नाउ लेट अस चेक लाइक दिस, इफ गिवन एस, अगर मुझे गिवन है, अगर मुझे गिवन है कि इसका 2 ग्राम है और इसका सपोज करते हैं अपन 60 ग्राम है, तो अपन कहेंगे फिर ये तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इसका 2 ग्राम तो इसके 71 ग्राम से रिएक्ट करता है, आपने तो यहां 60 ग्राम ले रखा है, अगर आपने यहां 60 ग्राम ले रखा है तो फिर ये सारा का सारा 2 ग्राम रिएक्ट नहीं करेगा, तो 2 ग्राम क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, तो अपन कहेंगे भाई हाइड्रोजन का 2 ग्राम क्लोरीन के 71 ग्राम के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये तो 60 ग्राम है, तो अपन कहेंगे अच्छा ये रिक्वायर्ड अमाउंट से कम क्वांटिटी में है, अगर ये रिक्वायर्ड अमाउंट से कम क्वांटिटी में है तो अपन कहेंगे फिर ये लिमिटिंग एजेंट है, क्योंकि ये तो एक्सेस दिख ही रहा है भाई, ये तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये मॉलिक्यूलर मासेस तो मैं बताने की जरूरत थोड़ी है मुझे, तो आप क्या कहोगे कि भाई इसका ना इसका 71 ग्राम रिएक्ट करता है इसके 2 ग्राम से, तो 60 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा बता देंगे, तो इसका सारा का सारा मास रिएक्ट नहीं कर पाएगा,
तो देखते हैं कितना रिएक्ट कर पाएगा, फिर इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। अपन कहेंगे इसके लिए क्या कैलकुलेट करना, अभी तो मुझे ये पता चल गया कि ये लिमिटिंग रेजेंट है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है इसका कितना रिएक्ट करेगा, तो अपन कहेंगे 60, चलो प्लस कैलकुलेट कर लो पहले वो कितना रिएक्ट कर रहा है, तो अपन कहेंगे चलो कैलकुलेट कर, यूनिटरी मेथड लगा देते। यूनिटरी मेथड कैसे है, 71 ग्राम ऑफ Cl2 है ना, 71 ग्राम ऑफ Cl2 जो होता है रिएक्ट विद 2 ग्राम H2, सो 60 ग्राम ऑफ Cl2 विल रिएक्ट विद हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2, कैलकुलेट कर देंगे उसमें क्या, 2 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 60, ये लो इतना ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या। तो अपन कहेंगे ये जो मास आएगा ना, दैट विल बी 120 बाय 71, ठीक है भाई 120 बाय 71 ग्राम्स, इतने ग्राम के साथ ये रिएक्ट करेगा। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट इज 170 बाय, राइट ना, 120 बाय 71 कितना आएगा एक बार चेक करो, कितना आया, तो अपन कहेंगे देखो ऐसे करते ना, ये 71 है ये 120 है, सो विल राइट दैट इट विल बी अराउंड कितना आएगा, इट विल बी 40 ना, और 40 होता तो 71 140 होता तो 2 टाइम्स ज्यादा, 40 है तो 20 कम हो गया, 20 कम हो गया तो इट विल बी अराउंड 1.85 ऐसे कुछ आ रहा होगा, देखो जरा है ना 1.7, ओके अपन को 1.7 ग्राम मिला, ठीक है तो लो भाई हो गया, ये लो हो गया क्योंकि इसमें ना 0.3 ग्राम एक्सेस, ये क्या हो जाएगा 0.3 ग्राम एक्सेस में, हो गया क्यों, क्योंकि सारा थोड़ी रिएक्ट कर सकता है ये, मतलब अगर 71 ग्राम इसका 2 ग्राम से रिएक्ट करेगा, और ये वाला डाटा मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला डाटा तो तुमको पता है, इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिखे हैं आपने, तो अपन क्या करेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, बाकी दूसरा रिएक्टेंट भाई जितना रिक्वायर्ड होगा इसके लिए उतना कंज्यूम होगा, 1.7 कंज्यूम हुआ तो 0.3 बच गया, तो इसका 0.3 बच गया, तो इसका 1.7 रिएक्ट किया और इसका 60, तो उससे तो कंजर्वेशन फॉलो करो, भाई इसका 60 ग्राम रिएक्ट करेगा इसका 2 ग्राम, तो अपन क्या करेंगे भाई इन दोनों का, इसका 71 इसके 2 से रिएक्ट करके 73 बनाता है, तो इसका 60 ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है पूरा रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, तो 60 प्लस वो जो रिएक्ट किया वो भी कंजर्वेशन फॉलो करेगा, ये एक्सेस में कितना 0.3 एक्सेस आ गया। तो जैसे अपन ने मास में लिखा अपन मोल्स में लिख लेते, ठीक है ना, तो चलो देखते हैं दूसरे एग्जांपल लेते हैं अपन, है दूसरे एग्जांपल में सपोज मुझे गिवन है ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी, पहले अपन ऐसे कंसेप्ट बना लेते हैं उसके बाद वापस अपन जैसे रिएक्शन करते हैं वैसे रिएक्शन कर लेंगे, अपन गिव्स यू 5C ऐसे कर लेता हूं। अब अपन कहेंगे भाई इसका मेरे पास 0.3 मोल्स गिवन है और इसका मेरे पास 0.4 मोल्स गिवन है, और अपन से कहा कि एक मोल्स गिवन, ये मोल्स गिवन है, फिर अपन से पूछा फाइंड आउट द लिमिटिंग रेजेंट एंड द अमाउंट ऑफ सी विल बी फाउंड, तो इसमें मैं आपसे पूछने वाला हूं फाइंड द लिमिटिंग रेजेंट एंड अमाउंट ऑफ सी फॉर्म, दैट इज मोल्स ऑफ सी फॉर्म है, मोल्स ऑफ सी फॉर्म, सी फॉर्म, चलो देखते हैं अपन, तो अपन क्या करें अपन ने ऐसे लिखेंगे इसके 2 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है ना, अब एक बार अपन लिमिटिंग रेजेंट चेक करेंगे,
मैं ना ऊपर वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और लिमिटिंग रीजन का एक बार डेफिनेशन वापस पढ़ लेना आप, आपको बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर किया था। एग्जैक्टली आपको कोई डाउट नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। पर ना डेफिनेशन में बिल्कुल वही लिखा हुआ है। मैं क्या चाहता था कि मैं, ठीक है ये तो अपने देख लिया भाई, अब अपन इसकी बात करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे अपन, अपन क्या करेंगे, पहले अपन एक बार डिसाइड करेंगे। चलो अज्यूम कर लेते हैं कि ए पूरा यूज हो रहा है। अगर ए को पूरा 0.3 यूज करेंगे, अगर ए को पूरा 0.3 यूज करेंगे तो बी को कितना यूज होना चाहिए, क्या 0.4 यूज होगा क्या? तो अपन कहेंगे भाई ठीक है ऐसे कर लेते ना भाई, ये तो लिख ही लेंगे अपन किसी भी रिएक्शन के लिए, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 3, ये तो लिख लेते हैं ना अपन किसी भी रिएक्शन के लिए, पक्का। अब दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं होती, किसी एक से ही चेक कर लो आप, दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं, अपन को किसी एक से ही चेक कर लेंगे। कैसे? अपन कहेंगे ठीक है अगर मान लो मैं इसका 0.3 मोल्स पूरा यूज करता हूं तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसके 0.3 मोल के साथ ये कितना रिएक्ट करेगा, तो अपन कहेंगे 0.9 डिवाइडेड बाय 2 रिएक्ट करेगा। तो अपन कहेंगे इसके 0.3 के साथ इसका कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा, अगर ये 0.3 कंप्लीटली कंज्यूम करना है ना तो आपको बी के मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो अपन कहेंगे भाई 0.3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 इज द मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड, है ना, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 0.3 मोल ए। अगर इसका 0.3 मोल कंप्लीट रिएक्शन करना है तो इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 0.9 डिवाइडेड बाय 2, और 0.9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 0.45 कितना होगा अपने पास, ये आ रहा है अपने पास 0.45 मोल ऑफ रिक्वायर्ड। तो अब अपन किसी एक से ही लिखेंगे हैं, ठीक है, ठीके? तो अपन कहेंगे देखो भाई 0.45 और है कितना 0.4, ये तो कम अमाउंट में है। अगर ये पूरा रिएक्ट करेगा तो इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, अपन कहेंगे भाई इसका 0.45 रिक्वायर्ड होगा और है कितना 0.4, जबकि रिक्वायर्ड कितना है 0.45, तो ये लिमिटिंग रीजन। चलो अपन कहेंगे एक बार आप ठीक है आपने बता दिया मुझे कि ये लिमिटिंग रीजन है, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि व्हाई नॉट मैं इसमें 0.4 लिख के इसके मोल्स कैलकुलेट करता हूं। तो अब उतना लिखने की अपन को जरूरत नहीं होगी, अपन छोटा सा लिख के बता सकते हैं। अपन लिखेंगे भाई देखो आपने लिखा था मोल्स ऑफ ए, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, ए डिवाइडेड बाय 2 बी डिवाइडेड बाय आपने 3 लिखा। अब आप कह रहे हो कि भाई इसके 0.4 अगर है तो अपन कहेंगे ये आ जाएगा अपने पास ए के जो मोल्स आएंगे ना वो 0.8 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, और 0.8 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा अपने पास, तो पता चल गया ना इट विल बी 0.2666। तो अपन लिखेंगे ये ना 0.2666, और अगर अपन को b का 0.4 पूरा रिएक्ट करना है, अगर अपने b लेनी है ना हम a को कैलकुलेट कर रहे हैं, सो अगर 0.4 इसका पूरा रिएक्ट करना है तो a कितना यूज होगा 0.266, और ये है कितना अपने पास 0.3, ये तो एक्सिस में। इसके 0.4 के लिए इसका सिर्फ 0.266 रिक्वायर्ड है, जबकि अपने पास है कितना ये 0.3, ऑब्वियसली बात है ये एक्सेस में है, लिमिटिंग रीजन। तो पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, इसको भी कैलकुलेट करो इसके साथ, इसको भी कैलकुलेट करो इसके साथ, तो सीधा तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। और इतना सही पार्ट लिखना है तुमको, ये सारा पार्ट तो बस मैंने लिख के बताया कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लिमिटिंग रीजन कैसे कैलकुलेट करना है। समझ में आया ठीक है, we got the limiting rigid। अब अपन कहेंगे भाई moles of C formed, आपको ये तो चाहिए ना moles of C formed,
तो अपन कहेंगे ठीक है, अब लिमिटिंग रीजन कौन है, ये है ना, तो ये बताएगा अपन को कि ये कितना होगा। लिख देता हूं, सी बाय फाइव इज इक्वल टू बी बाय फोर, बी बाय थ्री, ये लो भाई हो गया, बी कितना है अपने पास, दैट इज लिमिटिंग रीजन, सो सी बाय फाइव इज इक्वल टू बी पॉइंट फोर बाय थ्री, ठीक है, सो सी विल बी इक्वल टू फाइव इंटू पॉइंट फोर डिवाइड बाय थ्री, तो पॉइंट फोर इंटू फाइव कितना हो जाएगा, दैट विल बी टू बाय थ्री, लो भाई अपने पास आ गया 2/3, आपके पास मोल्स आ गए, मतलब C के मोल्स कितने हो जाएंगे 2/3, सो दैट विल बी 0.666, समझ में आया ना, तो 0.666 में अपन कहेंगे भाई ये अपने पास आया 0.666 मोल्स, ऐसे आ जाएंगे, तो अपन कहेंगे अच्छा 0.66 मोल्स में 0.4 तो इसके होंगे, वो भी तो कंजर्वेशन फॉलो करता है, मैंने भी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि रिएक्शन में अगर मासेस कम भी रिएक्ट करेंगे तो वो भी कंजर्वेशन फॉलो करेंगे, और HCl के लिए 60 प्लस लिखा था अपन ने 1.7, तो इसमें ना जो 0.66 आ रहे हैं ना C के मोल्स, उसमें से 0.4 तो इसका है क्योंकि ये तो पूरा रिएक्ट करेगा, और इसका कितना रिएक्ट किया अपन को पता है, इसमें से कितना रिएक्ट करेगा, इसके 0.4 के लिए इसका कितना रिक्वायर्ड है 0.266, उसी वजह से 0.66 आया, तो ये एक्सेस में कितना है, तो पर कहेंगे 0.3 से इसको माइनस कर दो, भाई इतना ही तो रिएक्ट करेगा 0.4 के साथ, सबको समझ में आया। अब मैं आपको क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, मैंने तो इतना सारा इसलिए लिखा कि अपन को पता रहे क्या करना है, अदरवाइज छोटा सा ये लिख के ही बता देंगे कौन सा लिमिटिंग रीजन है, रिवाइज करोगे तो सब कुछ दिखना चाहिए कि भाई कहां क्या लिखा हुआ। अब आप एक बार ये कर लो भाई, लिमिटिंग रीजन की लिखा, इट इज द लिमिटिंग एजेंट इन द रिएक्शन बाय विच वी कैन टेल हाउ मच अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट विल रिएक्ट, अपन इससे बताएंगे कि ये कितना रिएक्ट करेगा, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, इससे बताऊंगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड, तो फिर मैं इसको भी हटाऊंगा, मैं इसको भी हटाऊंगा, और आप बताओगे मुझे अब कैलकुलेट करके कि कैसे लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे इन द गिवन रिएक्शंस, और उसमें जो भी डाटा मैं पूछूंगा वो डाटा आपको बताना पड़ेगा, चलो मान लो मेरे पास एक रिएक्शन ऐसे है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, इसमें एग्जांपल 3 है, मेरे पास ट्राइज ऑफ ए प्लस 5 बी गिव्स यू ट्राइज ऑफ सी, ये मेरे पास गिवन है 0.2, ये मेरे पास गिवन है 0.3, आपको इसके मोल्स बताने हैं कितने फॉर्म होंगे, और सभी रिएक्शन में नो डाउट, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं मुझे कि आपको हर एक रिएक्शन में ये तो बताना ही बताना है कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है,
तो चलो अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको सिक्स्थ वाला मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने तीन रिएक्टेंट्स ले लिए और तीनों के मैंने मोल्स दिए, बट उससे पहले ये तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। चेक करो, चलो देखते हैं। हाँ, मैं एक बार इसको लिखूं। इन दोनों में से आपने लिमिटिंग एजेंट किसको डिसाइड किया, तो थ्री वाले का लिमिटिंग एजेंट इज बी, सी के मोल्स 0.12 बताया गया मुझे, और इसमें लिमिटिंग एजेंट इज बी, वो भी बताया गया मुझे। और नेक्स्ट वाले में क्या है, तो मैं इसको चेक कर लूं पहले, तो अपन इसके लिमिटिंग एजेंट को चेक करते हैं। मैं यहीं से चेक कर लेता हूं, ए बाय थ्री इज इक्वल टू बी बाय फाइव, और मोल से डिवाइड करना होता है ना, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय थ्री, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय फाइव, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय टू भी लिख सकता हूं, लेकिन पहले लिमिटिंग एजेंट चेक कर लेते हैं। ए का अगर 0.2 मोल्स है तो 0.2 इंटू 5, तो बी को होना चाहिए 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 0.333 और ये है 0.3, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0.3 और हमारे पास ये सिर्फ 0.3 है, जबकि हमें इसका 0.2 कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 0.333333 चाहिए।
ये तो कम है, तो B इज अ लिमिटिंग एजेंट। अब लिखेंगे यहां वर्ड्स में B इज अ लिमिटिंग, ठीक है। अब अपन सी के मोल्स, अब ये लिमिटिंग एजेंट है तो ये डिसाइड करेगा कितना बनेगा, तो सी के मोल्स कितने बनेंगे वो देख लेते हैं अपन, है? तो अपन क्या लिखेंगे, बी बाय फाइव इज इक्वल टू सी बाय टू। बी कितना गिवन है अपन का 0.3, क्योंकि यही डिसाइड करेगा मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय फाइव इज इक्वल टू सी। तो इसके मोल्स कितने आ गए अपने पास, 0.6 डिवाइडेड बाय 5, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 है तो अपन लिखेंगे ये 0.6 डिवाइडेड बाय 5 है, तो अपन इसको चेक कर लेंगे भाई 0.6 डिवाइडेड बाय 5 आ गया अपने पास, तो अपन इसको 6 बाय 5 कर लेते हैं इनटू 1 बाय 10, तो लिख लेंगे अपन भाई 0.6 बाय 5 है अपने पास, तो C के मोल्स आ गए 0.6 बाय 5। तो अब कितने मोल्स हो गए, तो अपन कहेंगे आप डिवाइड करके देख लो भाई, ये 5 ये 1.2 आ जाएगा, ये 1.2 डिवाइड बाय 10 का मतलब हो गया 0.12 मोल्स, ये लो भाई आंसर। चलो ठीक है अपने पास आ गया, अब अपन इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे तो A बाय 3 डिवाइडेड बाय B बाय 1, तो किसको डिसाइड कर लें किसी आपकी मर्जी, चलो ए को ही ले लेते हैं, ए को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 0.2 बाय 3 इज इक्वल टू बी। तो ये जो मोल्स आएंगे बी के वो कितने आ जाएंगे, बी के रिक्वायर्ड मोल्स हो गए 2 बाय 3 इंटू 1 बाय 10, और 2 बाय 3 का मतलब होता है 0.66, और डिवाइड बाय 10 का मतलब हो जाएगा 2 बाय 3 का मतलब होगा 0.66, और डिवाइड बाय 10 का मतलब हो गया 0.066। तो जो बी रिक्वायर्ड होगा ना वो 0.066 है, सर 0.1 मोल्स की वजह कहां पर है, 0.1 मोल्स गिवन है बी के, हाँ तो मैंने ए से कैलकुलेट किया है, ए डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 1, मैं फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ, मे बी पॉसिबल वो छोटा सा स्पेस है तो अपन को लग रहा होगा, भाई ए बाय 3 गिवन है मेरे पास है ना, और बी बाय 1 गिवन है, बी बाय 1 गिवन है मेरे पास, चलो बी से कैलकुलेट कर देता हूँ मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तो ए विल बी इक्वल टू, क्योंकि बी में 1 है 0.1 है ना, इसलिए अपन को दिक्कत नहीं जाएगी, तो अपन कहेंगे भाई ए विल बी इक्वल टू इसको 0.1 ले लेता हूँ, 0.1 इंटू 3, तो ए के कितने चाहिए 0.3 मोल्स चाहिए, ए के अगर 0.3 मोल्स चाहिए तो इधर है कितने 0.2, तो अपन कहेंगे भाई अगर इसका 0.1, अगर ने इसको 0.1 लिया ना पूरा बी को, तो अगर इसका 0.1 पूरा रिएक्ट करना है तो ए के कितने मोल्स होने चाहिए 0.3, और ए अपने पास है कितना 0.2, तो इसका मतलब है ए इज अ लिमिटिंग एजेंट, तो अपन कहेंगे भाई ए इज अ लिमिटिंग एजेंट, ये अपने पास लिमिटिंग एजेंट है, राइट ना, इतना 0.3 रिक्वायर्ड है अगर बी को कंप्लीटली कंज्यूम करना है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अब सी कितना फॉर्म होगा, तो अगर ये लिमिटिंग एजेंट है तो ए बाय 3 इज इक्वल टू सी बाय 4, ए आपको पता है 0.2 है, मल्टीप्लाई करो सी कैलकुलेट कर दो भाई, सी विल बी इक्वल टू कितना 4 इनटू 0.2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू सी, लो भाई सी के मोल्स आ गए, किसी को डाउट है तो बोलो, अगर थोड़ा भी डाउट है तो, समझ में आया ना सबको, अब अपन दूसरा देखते हैं, चलो इसको देखते हैं, अब इसमें बिल्कुल भी मतलब आप रश मत करो कुछ भी, ठीक है अपन चलो पहले तो चेक करते हैं लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, तो अपन क्या करेंगे लिमिटिंग एजेंट के लिए लिखेंगे a बाय 2 इज इक्वल टू b बाय 3, तो पहले किसी एक को ले लेते हैं, चलो a को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं 0.3 आ रहा है, तो ये 0.9 डिवाइडेड बाय b कितना रिक्वायर्ड होगा, b विल बी इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.45,
और बी है कितना 0.5, वो तो एक्सेस में है क्योंकि ए को अगर 0.3 कंप्लीटली कंज्यूम करना है इस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू दीज मोलर कोएफिशिएंट्स, तो ए को अगर कंप्लीटली रिएक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दीज मोलर कोएफिशिएंट तो फिर बी कितना रिक्वायर्ड होगा 0.45, और बी है कितना। तो इसका मतलब है कि ए विल बी द लिमिटिंग रीजन, क्यों, क्योंकि बी तो एक्सेस में है, इसको पूरा रिएक्ट करने के लिए इसको कितना चाहिए 0.45, और ये है कितना 0.45 चाहिए और ये है कितना 0.5, मतलब दिस इज एन एक्सेस, सो बी इज एन एक्सेस। है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ए इज अ लिमिटिंग रीजन। आ गया भाई मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, अब आप ये तो एक्सेस में था ये कैलकुलेट कर लो, तो अपन क्या लिखेंगे a by 2 is equal to b by 3 is equal to e by 4 is equal to d by 3 होता है। अब जो मर्जी चाहे आप इक्वेट कर लो, ये तो एक्सेस में था, ये डिसाइड करेगा सारे रिएक्शंस। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, तो अगर e चाहिए तो 0.3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू e बाय 4 कर देते हैं, e आ गया, एंड 0.3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू d बाय 3, d आ गया। अब ये तो अपन कर लेंगे, आई डोंट थिंक मतलब किसी को कोई डाउट होगा, अगर डाउट है तो आप मुझे बता दो कि हमें डाउट है तो मैं फर्क कर देता हूं भाई। अगर आपको लिमिटिंग रीजन पता चल जाए तो आप ये बता सकते हो कि रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें लिमिटिंग रीजन चेक करते हैं, तो पहले इस, अब तीन रिएक्टेंट आ गए तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, पहले इन दोनों में चेक कर लेता हूं कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है, और फिर जो लिमिटिंग रीजेंट होगा उस लिमिटिंग रीजेंट को सी के साथ कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि हमें तो ये पता करना है कि इन सब में रिएक्शन जब होगा तो अकॉर्डिंग टू दीज मोलर कोएफिशिएंट इनमें से किसके मोल सबसे कम प्रेजेंट है। तो चलो देखते हैं, ये मोल्स गिवन थे अपन को, ये तो गिवन मोल्स हैं, तो पहले अपन ना ए और बी में लिमिटिंग रीजेंट चेक करते हैं। फर्स्ट चेक लिमिटिंग रीजेंट बिटवीन ए एंड बी, तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं, चेक कर लिया, लो भाई a by 2 is equal to b by 3, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको ही ये 0.1 गिवन है ना, इसी को ही ले लेते हैं, तो अपन को ये गिवन है कितना 0.1, तो ठीक है ये 0.3 by, तो therefore b will be equal to 0.3 by 2, तो 0.3 by 2 का मतलब कितना होगा, 3 by 2 ले लेते हैं तो 0.15 आ गया हमारे पास, 0.15 आ गया। अपन क्या करेंगे, अगर ए का 0.1 कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो बी का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 0.15, इसका 0.1 अगर कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो ये 0.15, मतलब दिस इज एन एक्सेस, तो इन दोनों में लिमिटिंग रीजेंट हो गया बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी द लिमिटिंग रीजेंट इज ए, देयरफॉर Between A and B, limiting reagent is equal to is A. तो A और B में तो limiting reagent मेरे पास ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे? अब ना A और C में decide करते हैं। अगर A और C में right ना limit, क्योंकि इन दोनों में तो limiting reagent ये है, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करने के लिए सफिशियंट अमाउंट है, तो चलो ए और सी की बात करते हैं। तो मैं इस पार्ट को हटाऊंगा इधर, और मे बी पॉसिबल अपन को वहां पर थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो अपन यहां पर देखते हैं। तो अपने पास क्या गिवन होगा बिटवीन, नाउ चेक इसमें ना, फर्स्ट चेक दिस, नाउ चेक लिमिटिंग रेजेंट बिटवीन ए एंड सी, तो अपन ए और सी में चेक कर लेते हैं भाई किसका कौन लिमिटिंग रेजेंट है। तो अपन कहेंगे भाई a by 2 is equal to c by 5, a ना 0.1 था उसी को ले लेते हैं वापस,
0.1 divided by 2 into 5 is equal to moles of, that is C required. कितना आ रहा 0.5 will be equal to 1 by 2 मतलब 0.5 required है. So C ये कितना required होगा 0.5 divided by 2 is equal to C required हो जाएगा. तो इसके moles कितने हो जाएंगे 0.25. तो मुझे C जो required होगा वो 0.25 है. ये लो भाई. अब C और A और C में जब मैंने calculate किया ना तो मुझे अगर देखो पहले तो इन दोनों में ये limiting region था लेकिन इसका 0.1 रिएक्ट करने के लिए मुझे ये क्या चाहिए 0.25 और है कितना 0.2. तो भाई फिर तो ये एक्सिस में हो गया इसके कंपैरिजन में. भाई इसके कंपैरिजन में ये एक्सिस में है और इसके कंपैरिजन में ये एक्सिस में है. मतलब सबसे ज्यादा बी है फिर ए है और फिर सी है. तो लीस्ट अमाउंट में कौन प्रेजेंट है इस रिएक्शन में सी. तो वही लिमिटिंग रीजन हुआ ओवरऑल रिएक्शन. तो अपन कहेंगे भाई ये ना ओवरऑल रिएक्शन का लिमिटिंग रीजन है. अगर ये लिमिटिंग रीजन है तो ई का अमाउंट कितना होगा तो अपन कहेंगे ई लो भाई हो गया ई विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 0.2. ऐसे लिखेंगे अपन भाई सी बाय 5 इज इक्वल टू ई बाय 2. तो ई कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे सी कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना 5. ये लो भाई ई के मोल्स आ गए ई अपने ई के मोल्स. तो अगर तीन रिएक्टेंट्स हैं तब भी अपन को फर्क नहीं पड़ता. जैसे मैंने आपको बताया वैसे कैलकुलेट करके बता दो अगर तीन रिएक्टेंट्स हैं. चलो भाई मान लिया. अब शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन. एक दो केमिकल रिएक्शन भी करते हैं क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन से भी तो सीखना है ना. सिर्फ एबीसीडी सीख के काम नहीं चलेगा ना. तो रिएक्शंस भी सीखने हैं तो अपन कहेंगे ठीक है रिएक्शन में चेक कर लेते हैं हमें क्या फर्क पड़ेगा. तो चलो देखते हैं ठीक है ना. और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होगा तो एक बार तो अपन रूल बना लेते हैं. आप ना जो भी आप पढ़ते हो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सेम डे आपको रिवाइज करना है. ये तो पहले से बता रखा है मैंने. और क्लास शुरू करने के पहले प्रीवियस क्लास का हमेशा डाउट पूछना है आपको. आप जो भी मैंने आज पढ़ाया उसको आपने रिवाइज किया ये सभी सब्जेक्ट के लिए रखो. आप जो भी आपको पढ़ाया गया आज ही उसको रिवाइज करेंगे और उसमें जो भी आपको डाउट होगा उसको पेंसिल से सर्कल कर दो. अगर दिमाग में कुछ और चल रहा है तो वहां पेंसिल से लिखो और नेक्स्ट क्लास शुरू होने के पहले वो सारे डाउट्स आपको पूछे सर इसका मतलब क्या है. Why you have written like this? आपका सब्जेक्ट अच्छा हो गया था ऑब्वियसली बात. चलो दूसरा आप अपन मैंने आपसे कहा कि अपन केमिकल रिएक्शन को देखते हैं. चलो देखते हैं. मेरे पास एक क्वेश्चन है ऐसे अब देखो ऐसे लिखते हैं अपन 7 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स ठीक है 0.7 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 5.6 लीटर ऑफ H2 टू फॉर्म अमोनिया. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एट STP NH3 फॉर्म्ड एट STP. वॉल्यूम ऑफ अमोनिया अब एक बात आप हमेशा दिमाग में रखो अपन कभी गलती नहीं करेंगे. अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा गिवन है यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन. और मुझे यहां पर क्या गिवन है और इसमें अपन तो अपन क्या करेंगे अपन रिएक्शन भी दे देंगे ताकि मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो. वैसे ये काफी कॉमन रिएक्शन है सभी बच्चों को पता है. तो अपन क्या करेंगे अपन लिखेंगे आंसर में N2 रिएक्ट करता है 3H2 के साथ टू गिव यू NH2. मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा था कि इस बात को कभी नहीं भूलना क्योंकि हमें पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है. तो और फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा रिएक्टेंट के डाटा गिवन नहीं होंगे. सो वेन एवर डाटा फॉर्म मैंने डाटा इसलिए लिखा ना
ठीक है, जरूरी थोड़ी है मुझे मास गिवन होगा, जरूरी थोड़ी है मुझे वॉल्यूम गिवन होगा, या जरूरी थोड़ी है मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगी, कुछ भी दे दो मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा. सो व्हेनेवर द डाटा फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन, ऑलवेज चेक, ऑलवेज कैलकुलेट लिमिटेड रेंज, ऑलवेज कैलकुलेट लिमिटेड रेंज, ये अपन हमेशा चेक करेंगे लिमिटेड डिजिट का. चलो देखते हैं अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे. इसमें मुझे N2 के पहले तो मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको कोरिलेट करना आता है, फिर तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा. तो मैं लिखूंगा भाई मोल्स ऑफ N2, क्या गिवन है अपन को, मास वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट इन ग्राम कितना गिवन है 7, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28, कितने हो गए 1/4, 0.25. अब अपन कहेंगे मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 कितना गिवन है अपन को, वॉल्यूम गिवन है 2.4 होता है नंबर ऑफ, ये कितना गिवन है 5.6 डिवाइडेड बाय कितना 22.4 इज इक्वल टू कितना 1/4 इज इक्वल टू कितना 0.25. बड़ा इजी हो गया. इजी क्यों हो गया, क्योंकि ये 0.25 मोल्स हैं और ये भी 0.25 मोल्स हैं, ये तो साफ साफ दिख रहे हैं सामने कि किसके कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, पर रिएक्शन में ही दिख रहा है. इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका 0.25 मोल्स इसके 0.75 से रिएक्ट करेगा, जबकि ये है कितना अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, मतलब जितना N2 का मोल होगा उसका 3 टाइम H2 होना चाहिए. अब इसके 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेंगे तो इसका 0.25 इसके कितने से रिएक्ट करेंगे 0.75 से, और ये है कितना 0.25, लिमिटिंग रेजेंट. आप कैलकुलेट करके चेक कर लो, मैंने आपको बताया कैसे चेक कैलकुलेट करते हैं, N2 डिवाइड बाय 1, H2 डिवाइडेड बाय 3, and we know that how to calculate the limiting region. पक्का कैलकुलेट करके अपन बता सकते हैं. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई मुझे लिमिटिंग रीजन पता चल गया, लिमिटिंग रीजन पता चल गया तो अमोनिया भी पता चल गया कितना बनेगा, अपने वॉल्यूम पूछा है. लेकिन अगर किसी के भी मोल से अपन को किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के डाटा से आपस में कोरिलेट करना है तो वो मोल्स के थ्रू ही होता है, तो इसके ये लिमिटिंग रीजेंट होती है, ये डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा. करो तो अपन कहेंगे लो भाई कर देता हूं मैं, अपन क्या लिखेंगे दैट इज मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2. तो मोल्स ऑफ NH3 कितना होगा, मोल्स ऑफ H2 कितना है 0.25, मल्टीप्लाई करो 2 से और डिवाइड करो 3 से, ठीक है. So we'll write that. But therefore, I'll get that moles of NH3. Moles of NH3 kitna hai apne paas 2 into 0.25 divided by 3. So that will be equal to 0.5 divided by 3. That will be equal to 5 by 3 multiplied by 1 by 10. So 5 by 3 ka matlab ho gaya 1 point. That is 1.66. Hai na? To main isko divide by 10 ko 0.166 likh deta hun. ये इतने मोल्स आ रहे, किसी को डाउट नहीं. चलो भाई सबको समझ में आया. अब तो ये तो इसके मोल्स थे, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो. तो अपन कहेंगे देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4. तो अगर आपने इसका वॉल्यूम पूछा है, अमोनिया का वॉल्यूम पूछा, अमोनिया इज अ गैस, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है ये, मल्टीप्लाई करो 22.4 से, आई विल गेट दैट वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ NH3, ये आंसर आएगा 0.166 इनटू 22.4, दिस इज द वॉल्यूम व्हिच इज कम. किसी को डाउट है तो बताओ, समझ में आया, ठीक है. डाटा कैसे भी दो आप, मैं कैलकुलेट कर लूंगा.
अब अपन क्या करेंगे, अब ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ऐसे कर लेता हूं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, सो द NH3 फॉर्म्ड, द NH3 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन रिएक्ट्स विथ the NH3 formed the reaction reacts with 8 gram of oxygen to form. Calculate the volume of NO form. Calculate the कोई भी ले लेते हैं अपन, मास ले लो, वॉल्यूम ले लो, आपकी मर्जी। मास ऑफ एनओ फोर लो भाई, क्या किया अपन ने, समझ आया ना? आपने मुझे क्वेश्चन में बताया कि देखो भाई, पहले अपन ये सीखते हैं आपने किया क्या है। आपने कहा कि N2 जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ टू गेट अमोनिया, ठीक है, ये तो अपन को पता था। फिर आपने मुझसे कहा कि जो अमोनिया वहां फॉर्म हो रहा है ना, वो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है NO+H2O। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका बैलेंसिंग भी 45-46 है ना, अभी करवाया तो था, लिखा तो था अपन ने कि इसका बैलेंसिंग में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैंने आपको बताया। वो इनऑर्गेनिक में भी अपन पढ़ेंगे ना, नाइट्रोजन 15th ग्रुप एलिमेंट्स, उसमें ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी बहुत सारा होगा, बताऊंगा। बट यहाँ पर बैलेंसिंग, तो इसका बैलेंसिंग भी मुझे तो हमेशा याद रहेगा, 45-46 टाइप का है वो, फट से लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या करना है, ठीक है। अपन क्या कहेंगे, देखो भाई, इसके मोल्स 0.25, इसके मोल्स 0.25, ये रिएक्शन सीक्वेंशियल है, है ना, सीक्वेंशियल रिएक्शन। आपने एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा दिया, पहले आप एक ही रिएक्टेंट का डाटा देते थे, बाकी सबको पूछते थे, अब आपने दो रिएक्टेंट का डाटा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, फिर तो मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें तो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट चेक करके बना लिया कि इसके मोल्स कितने बने, इसके मोल्स मेरे पास बने, ये लिमिटिंग रिएजेंट था, अभी अपन ने कैलकुलेट किया, इसलिए मैं इसको उसी रिएक्शन को सीक्वेंस में बना दिया। ये लिमिटिंग रिएजेंट था, तो इसके मोल्स अपने पास कितने आए, 0.166 मोल्स, अभी लिखे अपन, ये इसके मोल्स है फॉर्म्ड, हो गया ना। तो जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स उसके भी होंगे अमोनिया। लो भाई लिख लिया अपने, इसके कितने मोल्स हैं, 0.166। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हुए, ऑक्सीजन बताओ भाई कितना, 8 ग्राम, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो अपन लिखेंगे, चलो अब आगे लिख लेता हूं मैं थोड़ा और, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपन लिखेंगे, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा अपने पास, वेट गिवन है अपन को, तो फिर इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से, तो कितना ग्राम गिवन है, 8, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 32, ये फिर 1/4 ले लिया आपने, हाँ, तो मुझे लगा चलो सबके में मास मोल्स एक जैसे लेकर रखते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं। तो अपन कहेंगे भाई ये तो 0.25 है, ये तो 0.25 है, लेकिन अब अपन को फिर लिमिटिंग रिएक्शन चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में फिर एक से रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा है। आपने क्लियरली लिखा है किसी भी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा होगा तो मुझे हर बार लिमिटिंग रिएक्शन चेक करना पड़ेगा। अब तुम चेक करके बताओ, मैं नहीं बताऊ, लिमिटिंग रिएजेंट तो चेक करना आता ही ना अपन को, मैंने तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट को भी सीक्वेंशियल बना लिया, दैट्स ऑल भाई। इधर ये एक्सेस में, चलो देखते हैं इसमें से कौन सा ज्यादा एक्सेस में, और चेक करते हैं अपन कितना एनओ बनेगा,
इसका लिमिटिंग रिएजेंट कितना होगा वो आपको बताना है। अमोनिया इज कमिंग आउट टू बी लिमिटिंग एजेंट, ये बताया जा रहा है। मैं एक बार कैलकुलेट करूंगा लिमिटिंग एजेंट कौन सा, अमोनिया आ रहा है तो मैं एक बार चेक कर लूं, फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं भाई ये 0.1266 है ना, तो ये हो जाएगा अपने लिए अमोनिया कितना 0.166 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू दैट इज O2 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो 0.16 * 5 विल बी कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 0.2 आ जाएगा, तो ये कम है जबकि ये 0.25 है। चलो ये तो एक्सेस में आ रहा है, करेक्ट है, ये लिमिटिंग एजेंट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। अगर ये लिमिटिंग एजेंट होगा तो ये डिसाइड करेगा फिर, तो जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके हैं भाई, ये होगा अमोनिया बाय 4 NO बाय 4, तो 4 तो कैंसिल हो गया, ये दोनों बच गए, तो ये कितना बनेगा अपने पास 0.16। बड़ा अच्छा, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट आता तो फिर मैं इससे डिसाइड करता उसको, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट आता ना तो फिर मैं इससे उसको डिसाइड करता, ठीक है कोई बात नहीं, अमोनिया ही लिमिटिंग रिएजेंट आया तो वही बताएगा ये कितना। अब अपने पास इसके मोल्स आ गए, पूछा क्या है क्वेश्चन में आपने, वेट ऑफ मास पूछा है, ठीक है, तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करता हूं ना, तो मास कितना आएगा उसका, तो अपन कहेंगे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है अपन को 0.166 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा NO का 14 + 16 30 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। लो भाई मेरे पास वेट इन ग्राम आ गया किसका, दैट इज ऑफ, ठीक है ना, तो मेरे पास वेट इन ग्राम आ गया किसका, NO का मास आ गया, ये अपना आंसर है 1.66 × 3 बता देंगे। तो अपन को पता चल गया कैसे सीक्वेंशियल में भी लिमिटिंग एजेंट अपन बता सकते। अब ठीक है, अब अपन सीक्वेंशियल रिएक्शंस में लिमिटिंग एजेंट भी इंक्लूड कर लिया अपन ने, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमें तो केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, तो अपन ने उसमें केमिकल रिएक्शन में सिंगल केमिकल रिएक्शन, सीक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन, सीक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट इन्वॉल्व कर लिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट के बाद एक और वर्ड कभी कभी इन्वॉल्व करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ हीट, तो चलो देखते हैं उस वर्ड का क्या, तो चेक करते हैं भाई परसेंटेज ऑफ हीट कैसे लिखेंगे अपन, तो परसेंटेज ऑफ हीट अब परसेंटेज ऑफ हीट का मतलब हो गया कि कितना परसेंट प्रोडक्ट बनेगा। अपन कहेंगे देखो जैसे परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ माय स्टडी, मैं पढ़ता तो 10 घंटे आउटपुट 50% गया, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड का मतलब हो गया कि अमाउंट तो ज्यादा है लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है, ये वो हमारे लिए काम का नहीं है, राइट ना, दैट इज परसेंटेज ऑफ यील्ड। तो अपन डिसाइड करेंगे भाई हमें गिवन होना चाहिए कि कितना परसेंट यील्ड है इस रिएक्शन का, तो अपन उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। एग्जांपल लेते हैं, व्हेन द, मैं ऐसे अब कुछ सेंटेंस कुछ तो लिखो उसमें, मतलब परसेंटेज ऑफ यील्ड कोई पूछेगा क्या होता है तो क्या बताएं,
ना, तो अपन कहेंगे व्हेन द ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी इज लेस देन द थ्योरेटिकल क्वांटिटी then the percentage of observed quantity is called yield of reaction. Then the percentage of observed quantity is called yield of reaction. तो जो परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्व क्वांटिटी होता है ना, उसी को अपन कहते हैं यील्ड ऑफ रिएक्शन. चलो ठीक है, हम क्या फर्क पड़ता है बताओ, मतलब करना क्या है ये बताओ आप तो. अच्छा ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल पहले एक रिएक्शन लेते हैं ताकि अपन को पता रहे कि क्या करना. तो अपन कहेंगे देखो भाई, मेरे पास H2 प्लस Cl2 है और ये बनाता है ट्वाइस ऑफ HCl. ये तो अपने पास सपोज करते हैं कि भाई ये 0.2 मोल्स हैं और ये 0.3 मोल्स है, ये गिवन इनिशियल मोल्स है. तो बताओ अगर इन दोनों को रिएक्ट करूंगा तो इसके कितने मोल्स बनेंगे. तो अच्छा अब अपन थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं भाई, देखो मैंने ना H2 और Cl2 को मिक्स किया, कितना इसका 0.2 और इसका 0.3 मोल्स. तो अपन से मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई देखो आपने इन दोनों को मिक्स किया तो इनिशियली तो HCl जीरो रहेगा ना, आप लिख सकते हो ना HCl जीरो, वो तो केमिकल रिएक्शन था. अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा HCl, तो अपन बता देंगे कितना बना. तो अपन कहेंगे देखो भाई इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स करता है, तो इसका 0.2 मोल्स इसके 0.2 से ही रिएक्ट करेगा और है कितना. अगर इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल्स बनेंगे, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल्स बनेंगे, तो इसका 0.2 मोल्स इसके 0.2 मोल से रिएक्ट करेगा. भाई इसका मतलब ये एक्सेस में है, वो लिमिटिंग एजेंट है. तो इसके कितने मोल्स बनेंगे तो अपन बता देना भाई, इसके ये जीरो इनिशियली. तो अपन कहेंगे देखो आप ये 1 मोल से रिएक्ट करेगा 2 मोल्स बनेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सीधा सीधा जैसे अपन ने कहा कि हम तो भाई ये सब कोरिलेट नहीं करते, हम तो सीधा सीधा लिखते हैं H2 के मोल्स डिवाइड बाय 1, Cl2 के मोल्स डिवाइड बाय 1. ये अगर 0.2 है तो इसके भी 0.2 चाहिए और है कितना 0.3 लिमिटिंग. अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो तो ये तो कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो जीरो हो जाएगा. ये कितना रिएक्ट करेगा तो अपन कहेंगे भाई इस Cl2 को तो 0.2 रिएक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 बच जाएगा. 0.2 रिएक्ट करेगा 0.1 बच जाएगा, ये कितना बनेगा तो अपन कहेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट H2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू HCl डिवाइड बाय 2. तो H2 कितना था 0.2, मतलब इसके 0.4 बच जाएंगे. अब बताओ इसको अपन कैसे लिख सकते थे, इसका 1 मोल इसके 2 मोल्स देता है तो इसका 0.2 मोल इसके कितने मोल्स देगा, तो वो लिखा आपने, आपने लिखा तो अभी 0.4 मोल्स देगा. मतलब अपन रिएक्शन से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है तो इसका 0.2 मोल इसके 0.2 से रिएक्ट करे. अगर 0.2 इसका रिएक्ट करेगा तो एक्सेस में कितना है, तो अपन कहेंगे 0.3 माइनस 0.2 वो एक्सेस में ही है. ये आफ्टर रिएक्शन में ऐसे लिखूंगा, आर एक्स ओ एन ऊपर लिखूंगा तो वो रिएक्शन लिखा है. आफ्टर रिएक्शन क्या, ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0.1 बच जाएगा और ये कितना फॉर्म हो जाएगा 0.4. क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका 1 मोल इसका 2 मोल देता है तो इसका 0.2 मोल इसका 2 × 0.2 देगा, वो यहां से भी आ. मतलब आप ऐसे लिखो या डायरेक्टली रिएक्शन से कोरिलेट करो, एक ही बात है. ठीक है तो अपन इसको 0.4 लिख लेते हैं, अपन को ऐसे कैलकुलेट करना आता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मेरा मतलब ये है. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई हमें तो ऐसे कैलकुलेट करना आता ही है. अब क्या है, अगर मान लो
if due to some external conditions, वो टेम्परेचर प्रेशर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, द अमाउंट ऑफ एच सी एल फॉर्म्ड इज 0.3, मतलब 0.4 की जगह कितना एच सी एल मिला अपन को इस रिएक्शन में, इन द रिएक्शन। देन ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी, observed quantity will be equal to 0.3 moles, और theoretical quantity, तो अपन कहेंगे भाई theoretical quantity जो है ना वो क्या होगा, तो अपन कहेंगे ये 0.4 होगा। भाई होना चाहिए था 0.4, लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल conditions क्या आ रहा है, 0.3 बन रहा है, तो अपन कहेंगे भाई देखो मैक्सिमम तो theoretical yield तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन जो हम कैलकुलेट करेंगे 0.4 आना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हो कि मशीन खराब हो गई या कुछ हो गया, ऑक्सीजन वगैरह अंदर चला गया, कुछ मतलब Cl2 उससे ये कुछ H2 उससे रिएक्ट कर गया, ऐसा कुछ हो गया, तो मशीन के खराब होने से ये पूरा 0.4 नहीं आया, 0.3 आया। तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर इस रिएक्शन में 0.4 बनता तो यील्ड इज 100%, क्योंकि मैक्सिमम तो 0.4 बन सकता, लेकिन अगर ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर ये 0.3 आया तो अपन कहेंगे फिर इसमें जितना प्रोडक्ट आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई तो बताओ कितना परसेंट प्रोडक्ट आ रहा है, तो अपन कहेंगे अच्छा इसमें 0.3 आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई मैक्सिमम 0.4 होना चाहिए और आ रहा है 0.3, तो ठीक है अपन ऐसे लिख देंगे, आपने कहा परसेंटेज ऑफ यील्ड इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल क्वांटिटी, क्योंकि थियोरेटिकल तो मैक्सिमम होगा, मल्टीप्लाई 100, तो अपन कहेंगे ठीक है ऑब्जर्व्ड कितना है 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, लो भाई 75% कितना है। तो इसमें ना अगर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो गया, वो 0.4 की जगह अगर अपन को 0.3 ही आया तो अपन कहेंगे इस रिएक्शन का यील्ड 75%। अब कभी आप मुझे क्वेश्चन में भी दे सकते हो ऐसे कि अच्छा ठीक है भाई ये रिएक्शन है और इसका यील्ड 75% है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ये रिएक्शन है तो इन दोनों को रिएक्ट करके ये आना चाहिए, अगर ये आ रहा है तो 100% यील्ड हो गया। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में ही लिख दिया कि इसका यील्ड आपको 75% अज्यूम करना है, तो अपन कहेंगे इसके रिएक्शन से मेरे पास 0.4 मोल्स आ रहे हैं और अगर मुझे यील्ड 75% कंसिडर करना है तो 0.4 तो 100% यील्ड है, इसका 75% लेके बता दूंगा कि अगर इस रिएक्शन का यील्ड आप मुझे क्वेश्चन में दे रहे हो कि 75% यील्ड लेना है तो मैं इसका 75% ले लूंगा, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में मैक्सिमम ये लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा था इन दोनों में से, तो मैक्सिमम यील्ड कितना हो जाएगा 0.4, और अगर 0.4 आया तो वो तो 100% यील्ड होगा, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना हो जाएगा, आपने दिए क्वेश्चन में अगर गिवन है कि आप 75% ले लो तो अपन कहेंगे ठीक है फिर इस रिएक्शन का यील्ड अगर आपको 75% देना है तो मैं इसमें प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बताऊंगा 0.3 बताऊंगा इंस्टेड ऑफ 0.4, क्योंकि आपने बोला है मुझसे कि आप इसका यील्ड 75%। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि भाई कितना परसेंट ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स अपन को ये कम करके दे देंगे तो अपन परसेंटेज बता देंगे, और अगर अपन को क्वेश्चन गिवन है और उसमें लिखा है यू हैव टू अज्यूम द 75% यील्ड या 60% यील्ड जो भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज गिवन है तो रिएक्शन चेक करके बता देंगे अपन की 100% कितना है, फिर आप बताओ मुझे कितना परसेंट देना है तो हम बता दें। तो मान लो मुझे ऐसे लेना है, एक एग्जांपल लेकर आना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ C
formed in the reaction. Assuming 60% of yield in reaction. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप मुझे रिएक्शन दो, ये गिवन है मुझे. Twice of A reacts with 5B to give you thrice of C. इसमें मुझे मोल्स इसके गिवन है, मोल्स गिवन है. इसके मुझे मोल्स गिवन है 3, इसका मुझे गिवन है 0.4 मोल्स, और ये अपन को कैलकुलेट करना है. तो जो इन मोल्स से ये आएगा, ये 100% यील्ड है. आपको क्या बताना है कि 60% अगर यील्ड लेना है तो जो भी मोल्स इसमें फॉर्म होंगे उसका 60% कैलकुलेट करके आपको बता देना. चलो बताओ मोल्स कितने आएंगे सी के. एक आंसर तो मैंने आपको बता दिया, तो मोल्स कैलकुलेट करना आपको आता है. पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे. आ गया ना, सबसे आ गया होगा मेरे के पास. चलो देखते हैं अपन. जो पहले तो इन दोनों में लिमिटिंग रीजन चेक किया अपन ने, तो अपन ने लिखा बाय 2 बाय दैट इज a बाय 2. पहले अपन लिख लेते हैं मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, तो वी नो दैट b बाय 5. तो चलो अपन इसको a को ही ले लेते हैं 0.3, तो इसका 0.4 रिक्वायर्ड होगा. अच्छा ये तो 0.3 हो गया, तो 0.1 हो गया, इसका 0.5 रिक्वायर्ड होगा. और ये है अपने पास कितना, अपने ये लिखना. अच्छा ये 2 लिख दिया ना मैंने, गड़बड़ कर दिया था. हाँ, तो ये 2 था, तो अपने पास कितना आ गया था अपन को इसको 3 5 15, तो 1.5 डिवाइडेड बाय अपने पास आया 2, तो 0.75 आ रहा है. तो अपन को क्या करना चाहिए, ये लिमिटिंग. आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा कि लिमिटिंग रिजिट क्या होगा, सबको समझ में आया ठीक है ना. अब अपन चेक करेंगे अपने पास लिमिटिंग रिजिट आ गया, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे भाई लिमिटिंग रीजन के बाद ये कितना बनेगा. तो अपन कहेंगे b by 5 is equal to c by 3. b कितना है अपने पास 0.4, तो अपने पास c आ गया भाई. लो भाई c के मोल्स कितने आ गए, दैट इज c विल बी इक्वल टू, अपने पास c कितना आएगा, c विल बी इक्वल टू दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया अपने पास. तो कितना है अपने पास, लिखेंगे भाई 12/5 × 1/10, और 12/5 का मतलब हो गया अपने पास 2 point, और that will be है ना, so 12 बचा अपने पास, तो अपन उसको 4 लिख लेते हैं, 2.4. लो भाई अपने पास कितना आया, 0.24 आया इसका. किसी को डाउट है when 100% yield, जब 100% यील्ड होगा तो 0.24 आ रहा है मेरे पास. तो अपन क्या करें, 0.24 कितना परसेंट यील्ड आ रहा है इस रिएक्शन में, तो ऑब्जर्व्ड बताना है. ये तो थ्योरेटिकल है अपने पास जो कैलकुलेट करके किया.
तो ऑब्जर्व्ड यील्ड कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे देयरफॉर द ऑब्जर्व्ड यील्ड विल बी दिस। अपन यहां पर लिख देते हैं भाई, आपने कितना परसेंट दिया था, मुझे ये 60 दे रखा था, ये कितना आया था 2.5, बताना कितना है ऑब्जर्व्ड, क्वांटिटी बतानी है मल्टीपल बाय 100, ये लो भाई सॉल्व करके बता दिया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से और डिवाइड कर लेते हैं 100 से, तो ऑब्जर्व्ड यील्ड मतलब कंसीडर कितना करना है वो आ गया अपने पास, सबसे आया 0.144 आ रहा है अपने पास। सबको समझ में आया, ये अपने पास 0.2 डिवाइड बाय 10 भी था तो अपने पास ये आया था। तो मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं कि भाई कैसे अपन को यील्ड वाले क्वेश्चन करने हैं, तो मैं अब यील्ड वाले क्वेश्चन को भी सीक्वेंशियल में डालने वाला हूं, ठीक है। चलो तो अब परसेंटेज ऑफ यील्ड का मतलब मुझे समझ में आ गया, अब मैं क्या करता हूं उसको एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी अपने किसी को डाउट होगा तो वो पूछेगा भाई, ठीक है। आपको सिर्फ आपको चैट में लिख के बोल देना है कि आप फिर से एक्सप्लेन कर दो, या आप बोल सकते हो कि हमें फिर से एक्सप्लेन करो, आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जांपल टू मेरे पास गिवन है, सपोज ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी गिव्स यू 4c, then thrice of C reacts with twice of E to give 2D. और मुझे क्वेश्चन में गिवन है इसका 50% यील्ड लेना है आपको और इसका 20%, इस पर 20% काफी कम हो जाएगा, अपन 80% यील्ड लेना है। इसके मूल्स मुझे गिवन है 0.3 और ये मुझे गिवन है 0.4, तो चेक कर लेते हैं भाई कितना मतलब, और इसमें भी ले लेता हूं मैं, क्योंकि सी के इधर मोल से इधर मोल आ जाएंगे, लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार इसको तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसके 0.1 मोल्स ले लेता हूं, ये लिए अपन ने मोल्स। अब अपन पहले इसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा, इन दोनों में पहले लिमिटिंग रीजन चेक करते हैं, 0.3/2 इज इक्वल टू 0.4/3, बी ही कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये तो 0.9 डिवाइडेड बाय 2 आया, 0.45, बी इज अ लिमिटिंग, ये लिमिटिंग रीजन, अगर ये लिमिटिंग रीजन है तो मैं सी कैलकुलेट कर लेता हूं, सो बी बाय 3 इज इक्वल टू सी बाय 4, तो सी बाय 4 कैलकुलेट करूंगा, ये तो 0.4 है तो ये आ जाएगा अपने पास 0.4, तो 1.6 डिवाइड बाय 3 आया मेरे पास, 1.6 डिवाइड बाई 3, तो मेरे पास C आया 1.6 डिवाइड बाई 3, तो अपन क्या करेंगे यहां पर, अपन लिखेंगे 1.6 डिवाइड बाई 3, इसके मोल से इसके मोल, लेकिन रिएक्शन का यील्ड कितना है, अपन ये नहीं लेंगे, ये तो 100% यील्ड है, ये थ्योरेटिकल, ये हमें 100% यील्ड लेता, कंसीडर कितना करना है अपन को 50%, ठीक है। C मेरे पास ये है 50/100 लेता और फिर इसके साथ रिएक्ट करूंगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों में लिमिटिंग रीजन चेक करते हैं और फिर D फॉर्म करते हैं, जो D आएगा वो 100% है लेकिन कंसीडर कितना करना है 80%, तो जो आएगा वो 100% है उसका 80% मेरा आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से, कर देता हूं। सी आपने 1.3 × 0.5 लिखा है ना, तो ठीक है भाई अपन कर लेते हैं, तो मेरे पास 0.5 है तो 0.8/3 आ गया, 0.8/3 का मतलब हो गया 8/3 करते हैं इंटू 1/10 कर लेता हूं, इसको हटाता हूं, हाँ तो मेरे पास आया ये, दैट इज ये तो 2 times ना, सो 2.66, तो ये आया मेरे पास 0.26 डिवाइड बाई 10 भी है ना, 0.266. अब ये 0.266 है, राइट? तो अपन क्या करेंगे, अब इन दोनों में लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे और क्या,
कर लेता है। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कौन लिमिटिंग डिटेक्टर, वो देख के ही बता सकता हूँ मैं कौन लिमिटिंग डिटेक्टर। लेकिन अगर सिर्फ चाहता हूं मैं कि आप कैलकुलेट करो अच्छे से लिमिटिंग डिटेक्टर, तो अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों में चेक करते हैं लिमिटिंग डिटेक्टर। ठीक है, आपको आपने बता तो रखा है कैसे चेक करते हैं लिमिटिंग डिटेक्टर। सी बाय थ्री इज इक्वल टू ई बाय वन। सी कितना है अपने पास, उधर से जब 50% यील्ड आया था तो 0.225 लेना था, 0.226 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ई। अब इसको अगर डिवाइड करूंगा 0.226 को 3 से तो ये 0.1 से तो छोटा आएगा, आएगा ना 0.1 से छोटा, 0.1 से छोटा आएगा, मतलब दिस इज नेक्स्ट सी इज लिमिटिंग। ये वैल्यू अब ये 2/3 जैसे हो गया ना, 2/3 जैसे हो गया ना मैंने कहा, तो ये तो पॉइंट से, ये 0.1 से छोटा आएगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर लो भाई, 0.22 था तो 2.26, कोई डाउट है? 2.266 होगा कहां पर है? अच्छा 2.6 है, ठीक है चलेगा चलेगा उसको, मतलब कैलकुलेशन में मतलब अगर वैसा आ रहा है तो आप चेक करो, नहीं तो छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी मतलब ये पॉइंट वन से अभी भी छोटा आ रहा है, जब तक ये वैल्यू 0.3 नहीं होगी तब तक 0.1 नहीं बनेगा ना, ये वैल्यू जब तक 0.3 नहीं आएगा। और 0.3 से अगर छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वैल्यू 0.3 से छोटा है तो ई का वैल्यू अभी भी एक्सेस में है 0.1, क्योंकि ये वैल्यू जो आ रही है अपने पास वो 0.3 से 0.1 से छोटा आ रहा है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, सी इज अ लिमिटिंग एजेंट। अगर सी इज अ लिमिटिंग एजेंट, ठीक है अपना काम हो गया। सी कितना आ रहा था अपने पास, ये आ रहा था सी अपने पास, तो सी इज अ लिमिटिंग एजेंट, तो ठीक है भाई ये सी आया था अपने पास, दिस इज अ लिमिटिंग एजेंट। अगर ये लिमिटिंग एजेंट है तो ये डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा, और ये वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास, 0.266 आ रही थी। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर देता हूं, डी आएगा अपने पास कितना, तो अपन लिखेंगे C by 3 is equal to that is D by 2, right? E अपन ने so यहाँ से कैलकुलेट किया था, E is right ना, E is that is less than 0.1, और E less than 0.1 आ रहा था इसलिए अपन ने कहा ये excess में, so in excess, इसी वजह से अपन ने लिखा कि C जो है लिमिटिंग डिजिट है। अब अपन ने कैलकुलेशन C से कर लेना, तो 0.266 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 2 इज इक्वल टू D, D आ गया अपने पास, दिस इज अ थ्योरेटिकल लिमिट, ये मेरे पास थ्योरेटिकल लिमिट है। तो ऑब्जर्व्ड यील्ड कितना हो गया, देयरफॉर ऑब्जर्व्ड यील्ड यील्ड विल बी इक्वल टू 0.266 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट लेना है, 80/100, दिस इज ऑब्जर्व्ड यील्ड। मैं क्या करता हूं इसको ना ऐसे लिख देता हूं, दैट वे अपन को पता है 0.266 क्या होता है, 0.8/3 भाई, वहीं से तो कैलकुलेट किया था आपने, मैं इसको 0.8/3 कर लेता हूं, ये 1/2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन शायद हो जाए, देख लो 0.8/3 करके, तो 0.8/3 विल गेट दैट 0.8/3 इज 0.266, ई बाय 2 है। अच्छा अच्छा रुको, मैंने ना ये इसकी गड़बड़ हुआ मुझे, अब समझ में आया वो क्या बोल रहा था, शायद वो अपन से ये बोल रहा था, इसको रुकना एक मिनट है, इसको रुकना है, अभी मैं कहीं कुछ गड़बड़ करके आया हूं, कैलकुलेशन में थोड़ा भी इधर उधर हुआ गड़बड़ हो गया, अब रुको, ये सारा ठीक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये आंसर करेक्ट है, वहां से अपना सही आ रहा था 0.6 सी अपना जो बना था ना 0.6 डिवाइड बाय 3 और अपन को 50% डेड लेना था, ये आ रहा था 0.8 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट कम्स आउट टू 0.266, इसमें कोई प्रॉब्लम, अपन ने ना ई बाय 2 है
पर ने वहां कैलकुलेशन में 3 लिखा था। कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट में बन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने 3 लिख के आपका कैलकुलेशन गड़बड़ होना शुरू हो गया था। तो ये और सी बाई 3, सी अपन को गिवन है, तो मैं क्या करता हूं, ई कैलकुलेट करते हैं अपन भाई। तो 2 इंटू सी बाई 3, तो 2 इंटू सी कितना गिवन है, 0.266 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको 0.266 करूंगा तब तो ये है ना, मल्टीप्लाई करते हैं 12, 3, 5 और डिवाइड बाई 3। समझ में आया ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये तो 1 से ज्यादा आ रहा है, 0.1 से ज्यादा आ रहा है ये तो, और है कितना 0.1। ये गलती है, बाकी कोई गलत नहीं भाई। इसको अपन ने क्या लिख लिया था पहले, मेरे ख्याल से अपन ने 3 लिख के सॉल्व कर लिया, मैंने 3 लिख दिया था, तो 3 लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है फिर तो लिमिटिंग एजेंट सी ही आएगा, लेकिन है कितना, अगर इसमें 2 दे रखा तो कोई बात नहीं, अपन कहेंगे लेकिन ये गलत हो गया था है ना, कोई बात नहीं, क्या ना गड़बड़ हो जाता सब कुछ, तो लिमिटिंग एजेंट अपने पास क्या आएगा, ई आ गया, तो ई इज अ लिमिटिंग एजेंट, ई लिमिटिंग एजेंट होगा तो डी कितना होगा, 0.1 भाई, ये ई बाई 2 और डी बाई 2 थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए, ई बाई 2 और डी बाई 2 कितना है अपने पास, 0.1, दैट इज अ थ्योरेटिकल यील्ड। तो ऑब्जर्व्ड यील्ड कितना होगा, तो करते हैं ऑब्जर्व्ड यील्ड कैलकुलेट करूंगा, 0.1 का कितना लेना है, 80% लेना, 0.1 इनटू 80 बाय 100 आ गया, लो भाई आ गया अपने पास आंसर, ये आ गया अपने पास आंसर। कोई कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, वो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में उतना ध्यान नहीं दे पाते। यस, ई इज द लिमिटिंग एजेंट, सो अपने पास ई लिमिटिंग एजेंट आएगा, बिल्कुल आएगा 0.1, और ई लिमिटिंग एजेंट आएगा तो ई बाई 2 लिखा अपन ने और सी बाई 3 लिखा अपन ने, तो सी बाई 3 के हिसाब से जो ई कैलकुलेट किया अपन ने दैट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0.1। दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमें तो परसेंटेज ऑफ यील्ड पता चल गया भाई कैसे यूज करना है अपन को। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप उस क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। अब उस क्वेश्चन में अपन ऐसा लिख लेते हैं, सपोज मेरे पास गिवन है, अब जैसे वो आप बोले तो मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, वरना रिएक्शन लिख देता हूँ, आप उसमें सॉल्व कर दो, क्योंकि वर्ड्स में जैसे अपन ने मैंने लिखा ना अमोनिया वगैरह का जैसे रिएक्शन लिखा था अपन ने, ऐसे अपन को वर्ड्स में भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, तो वैसे आपको वर्ड्स में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो चलो देखते हैं कैसे, मैंने Fe(S2) को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ टू गिव Fe2O3 प्लस SO2 बनता है, SO2 को रिएक्ट करूंगा ना विथ O2 आई गॉट SO3, राइट, और SO3 को NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो आई गेट Na2SO3 प्लस H2, ये बनेगा, मुझे गिवन है इसके 0.5 मोल्स और इसका भी
0.6 moles. Moles given. इसका yield अपन को लेना है 50%, इसका yield अपन लेंगे 60% yield, और इसका yield लेंगे अपन 80% yield. तो आपको बताना है, बताओ ये कितना ग्राम बनेगा, इसका वेट बताना है. कैलकुलेट मास ऑफ Na2SO3 विल बी फॉर्म कर गया. मैं पहले बैलेंस कर लूंगा, बैलेंस करना नहीं भूलना, ध्यान रखना, क्योंकि रिएक्शन आपको दे दिए आप सब गड़बड़ कर दोगे अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो. चलो बैलेंस करते हैं, इसको ट्वाइस लिखते हैं, इसको ट्वाइस लिखते हैं, इसको बैलेंस करूंगा. तो ये मुझे ट्वाइस चाहिए, और इसको मैं लिखूंगा, नहीं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसको इसको मैं ट्वाइस लिखूंगा, मैं इसको फोर टाइम्स लिखूंगा. तो इसको मैं ट्वाइस लिखूंगा, और सल्फर को भी मैं एट टाइम्स लिखूंगा. एक बार चेक कर लेता हूँ, सल्फर 8 है, Fe4 है, ऑप्शन 22, 6 इधर है और 16 उधर है, 22 है, इट्स बैलेंस्ड. बैलेंसिंग में सिखाऊंगा रिएक्शन, आप चिंता मत करो कैसे बैलेंसिंग करते हैं. तो अभी सिर्फ रिएक्शन पे फोकस करो, अभी सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो. रिएक्शन का बैलेंसिंग में आपको सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, अगर कोई पार्ट में डायरेक्टली यूज कर रहा हूं तो वो आपको भी सिखाया जाएगा. लेकिन अभी अपन परसेंटेज ऑफ यील्ड और लिमिटिंग रीजन पे फोकस करके रखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. चलो देखो, we got one answer. एक बार चेक भी कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार.
अगर मैं इसमें लिखूं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो किसी को डाउट होगा क्या? एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट का एक सिंपल मोल्स कैलकुलेशन एक रिएक्शन में जितना होता है उतना ही आएगा आपका एग्जाम, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन कि अपन को ये पता चल गया कि ये लिमिटिंग एजेंट है, किसी को डाउट है। तो फिर ये रिएक्शन सीक्वेंशियल है इसके फॉर्म में, ऐसे सीक्वेंशियल। तो मैं इसके मोल्स लिख लेता हूं, है ना? तो मैं इसके मोल्स लिख लेता हूं भाई, राइट? तो इसके मोल्स आ जाएंगे 8/11 इंटू 0.6, ये इसके मोल्स। ठीक है, अब इसके मोल्स आ गए, लेकिन हमें यील्ड तो 50% की बना, तो मुझे इसका 50% ही कंसिडर करना, राइट? या तो मैं इसको कैलकुलेट करूं अभी, या फिर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं कि ये x वैल्यू है। मैं इसको ना कुछ ऐसे मेरी मर्जी में जैसे चाहूं सॉल्व करूं, भाई x है तो 50% यील्ड के लिए मैं क्या लिख लूंगा, 0.5x। ये मेरे पास 0.5x, उसका यील्ड कितना लेना था अपन को 50%, तो मैंने इसको वैल्यू को x ले लिया रादर देन राइटिंग कैलकुलेशन। उस पूरा को भी लेके चल सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा वैल्यू दिखता है इसलिए मैंने नहीं लिखा, वरना मैं इसी को लिख के और लिख लेता कि 10 × 50/100, ये 0.5 कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.5, अपन ऐसे भी कर सकते हैं। तो भाई इसका ना यील्ड 50% है, तो इसका 50%, ये तो 100% है, तो यहां तो मुझे 50% ही कंसिडर करना है, तो मैं लिखूंगा 8 × 0.6 / 11 × 0.5, यही कंसिडर करना है बिल्कुल। अब आपने इसका डाटा तो दिया, इसका डाटा देते तो मैं इसमें भी लिमिटिंग रिजल्ट चेक करता, लेकिन आपने दिए नहीं, देने का मतलब है कि वहां पर रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो इसके मोल्स से मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं, तो जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके भी होंगे इस रिएक्शन में, तो करने का भाई इसके इतने मोल्स हैं तो इसके भी मोल्स इतने होंगे। 8 × 0.6 / 11 × 0.5। अब ये तो 100% यील्ड है, लेकिन रिएक्शन में यील्ड कितना लेना है अपन को, 60%, तो इसका मतलब है इसका 60% ही आगे रिएक्ट कर सकता है, करवा देते हैं। तो लो भाई 8 × 0.6 / 11 × 0.5, और अब मुझे उसका भी कितना लेना था, 60% लेना था, ले लिया। अब ये तो मेरे पास मोल्स आ गए SO3 के, अब SO3 के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स Na2S2O3 के, क्यों? क्योंकि वन मोल इसका है और वन मोल इसका है, तो इसका SO3/1 और Na2S2O3/1, तो इसके मोल्स कितने आ गए, इतने आएंगे। तो मोल्स ऑफ SO3 Na2SO3 दैट विल बी इक्वल टू 8 × 0.6 / कितना आ रहा है 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आ गया भाई अपने पास। लेकिन ये तो मोल्स अपन तब कंसिडर करेंगे जब आप 100% यील्ड बोलते हैं, अभी आपने क्या बोला 80% यील्ड, मतलब मुझे इसको 0.8। तो इस रिएक्शन में क्योंकि अब इसके लिए अपन को वेट कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका 0.8 लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने कहा ना इस रिएक्शन में 80% यील्ड आता है। अब क्या करें, तो बताएंगे भाई अब आप इसका मास कैलकुलेट करो, तो मास कितना होगा अपने पास, तो बन जाएंगे मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, तो अपने पास मास आ जाएगा। तो लो भाई
8 × 0.6 × 0.5 × 0.6 × 0.8 डिवाइड बाय कितना 11 और मल्टीप्लाई बाय कितना इसका मॉलिक्यूलर मास। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। SO3 का मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी 80 + 46 का मतलब हो गया 126। तो 126 लो भाई इतना ग्राम्स आ गया। ये किसी को डाउट है क्या? अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है, कैलकुलेशन कर लेंगे कोई प्रॉब्लम। तो यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ यील्ड। सो दैट इज अबाउट द परसेंटेज ऑफ यील्ड वी कैन हैव। सब कुछ अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि सिंस अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपने सारा कुछ सॉल्व कर लिया होगा, अब हमें इसको भी होमवर्क में लाना ही पड़ेगा, कि वरना अपने कंसेप्ट एडअप होते जाएंगे और आप प्रैक्टिस करोगे नहीं। तो अपन इसमें होमवर्क लिखेंगे, इसमें भी अपना क्या होमवर्क है वो देख लेते हैं, और संडे के टेस्ट के लिए भी पढ़ना है और होमवर्क भी करना है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क लिख देता हूँ भाई। होमवर्क जो होगा आपका वो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और 2, इसमें सेक्शन ए बी एंड सी, ये आपको 3 सेक्शंस पार्ट 1 और 2, ये 3 सेक्शंस आप करके रखो, फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सरसाइज का पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास है तो आप उसमें देख लो, अगर नहीं है तो मैं सेंड करूंगा। ठीक है, और अपन रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।